गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तवनीत कौर दिस स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सभी ने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी एंड अपनी क्वेश्चन सीरीज बिजनेस स्टडीज की जो बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी वो भी आपने देख ली होगी। एंड आई अप्रिशिएट दोस्त जिन्होंने बहुत करेक्ट आंसर्स दिए जो मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे। एंड आई होप कि आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, मन लगाकर और करोगे एग्जाम्स को क्रैक। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 का पार्ट 1, जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट सब्सिडी बुक्स। हमने कैश बुक की स्टडी कर ली है इन चैप्टर नंबर 10। अगर आपको नहीं पता तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू आप कैश बुक देख लीजिए, फिर आप करना सब्सिडी। गाइस हमने किया था कैश बुक स्टडी, जिसमें हम क्या करते हैं कैश बुक में सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि क्रेडिट। याद है ना, कैश में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन जो हाथों हाथ पैसा हो गया, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को निगलेक्ट कर दिया जाता है। बट जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तब हमने दोनों को ध्यान में रखना होता है, मीन्स कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उनको हम भूल ना जाए, इसलिए हम उनके लिए अलग बुक्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं अदर स्पेशल पर्पज बुक्स या फिर सब्सिडी बुक्स। सो सब्सिडरी बुक्स हमारे चैप्टर का नेम वैसे है स्पेशल पर्पज बुक्स पार्ट 2, अदर बुक्स। अदर बुक्स कौन सी है? परचेज सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक, अदर बुक्स ये है। और पहले पार्ट में हमने कैश बुक डिस्कस कर लिया। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश ट्रांजेक्शंस एंड इनके इसके ऑपोजिट इन सभी में कैश ट्रांजेक्शंस को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। कैश ट्रांजेक्शंस नहीं यहाँ ध्यान में रखी जाती, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर आ गई, कैश ट्रांजेक्शंस यहाँ आ जाएंगी। और क्रेडिट जो यहाँ पर नहीं आता वो यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल, जितने भी क्रेडिट परचेज मतलब उधार की चीजें आप खरीदोगे उधार में उनको यहाँ लिखोगे, उधार में कुछ बेचोगे तो यहाँ लिखोगे सेल्स बुक में। उधार की चीज जो आपने खरीदी उसको गलत है या फिर नहीं पसंद वो आप जब रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न बुक में डालोगे उसकी एंट्री। एंड सेल्स रिटर्न बुक आपकी वो बुक होती है जो आपने उधार में सामान बेचा था उसको आपको वापस आ गया। तो ये है हमारा ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे सबसे पहले परचेज बुक के परफॉर्मा एंड इसके हम ट्राई करेंगे कुछ इलस्ट्रेशंस कुछ। सो या गाइस लेट्स बिगिन विद आवर परचेजेस बुक। तो परचेजेस बुक वो बुक होती है जिसमें हम क्रेडिट परचेजेस डालते हैं। क्या डालते हैं इसमें, क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रांजेक्शंस, वो परचेजेस। परचेजेस मतलब कि खरीदना, जो हम खरीद रहे हैं बट ऑन क्रेडिट। सो मेक श्योर कि आप इसमें गलती से भी कैश की मत डाल देना। अगर आपने एक ट्रांजेक्शन भी कैश की डाल दी देन इट विल बी द रॉन्ग। और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो मीन्स आपके क्वेश्चन में आपको कैश ट्रांजेक्शंस भी अवेलेबल होंगी बट आपको उसको निगलेक्ट करके नीचे लास्ट में एक नोट लिख देना है दैट फेब्रुअरी जितने की भी डेट है, अगर सपोज करो फेब्रुअरी 2 कैश ट्रांजेक्शन थी इतने रुपीज की विच इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इन द परचेज बुक ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड नॉट द कैश वन, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन को हमने कैश बुक में डाल दी ऑलरेडी तो हम उसमें उसको यहाँ पर नहीं नोट करेंगे। सो हमारा जो क्वेश्चन बोलता है वो हम करते हैं, हियर इज आवर क्वेश्चन बिलो। सो मैंने क्वेश्चन की सिर्फ फर्स्ट एंट्री डाल दी आप अभी 2020 फेब्रुअरी 1, तो डेट डाल दी 2020 फेब 1, परचेजेस फ्रॉम MS ब्राउन्स एंड कंपनी। अब परचेजेस हुई है फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, कहीं पर लिखे कि इट इज ऑन कैश? नहीं, मींस इट इज ऑन क्रेडिट। सो किससे लिया हमने? मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिख देने मेसर ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है आपने वही सब कुछ पर्टिकुलर्स में ऐड करना है। सो इट इज एज सिंपल एज इट इज। सो हमारी फर्स्ट जो चीज हमने खरीदी है मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी से वो है 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर, ठीक है। सो कितने खरीदी हमने? 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट
द रेट 1200 पर पेंसिल, ठीक है। तो 1200 पर पेंसिल है, हमने कितने लिए 5, सो 1200 इंटू 5 कर दो 6000। सो डिटेल्स में, आप डिटेल्स में लिखोगे, अमाउंट में नहीं लिखना, यू हैव टू राइट हेयर 6000। वाई 6000? बिकॉज एक पेंसिल 1200 की है और 5 कितने की आएगी, उसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 6000। नेक्स्ट हमने क्या लिया, 2 dozen रजिस्टर्स एट द रेट ₹500 पर डजन। कितना वो कह रहे हैं कि हमने 2 dozen रजिस्टर्स लिए, सो वी विल राइट ओवर हियर सेम जो क्वेश्चन में गिवन है ऐसे यहाँ पर कॉपी करना है। 2 dozen रजिस्टर्स एट द रेट ₹500 पर डजन, ठीक है। तो 500 पर है, एक 500 का, तो दो कितने लोगे, ऑब्वियसली 1000 के, तो यहाँ पर आ गई 1000। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसको यहीं पर प्लस कर देना, सॉरी लाइक दिस, तो 6000 प्लस 1000 7000, ठीक है जी। टोटल कितना हमने इससे, मिस मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी से हमने टोटल कितने रुपीस का परचेजेस किया, 7000 का, जो भी क्रेडिट है, मतलब हमने पैसा दे। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। मेक श्योर अगर हम यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स के जो अदर बुक्स हैं, परचेजेस, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, उसमें अगर हम क्रेडिट को ध्यान में रख रहे हैं तो हम कौन सा डिस्काउंट अवेल करेंगे, मेक श्योर वी विल गिव ट्रेड डिस्काउंट। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखे लेस कैश डिस्काउंट, मेक श्योर वो नहीं यहाँ पर आएगी। क्यों? कैश डिस्काउंट तो तब मिलता है ना जब कैश में हमने ले लिया सामान, तो कैश में हो गया तो यहाँ पर नहीं आएगा। कैश बुक में हम ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं लिखते, हम लिखते हैं कैश डिस्काउंट को, और इस बुक में हम कैश डिस्काउंट को नहीं लिखते, वी राइट ट्रेड डिस्काउंट। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट था 7000 पे, तो 700 माइनस हो गया, टोटल कितना हो गया 6300। सो जितना भी हमारा टोटल आता है उसको यहाँ लिखकर, अगर ट्रेड डिस्काउंट लगा है तो माइनस करके यहाँ लिख दो, और अगर नहीं लगा, सपोज करो ये नहीं होता, तो 7000 था 7000 आप लिख देते, बट अभी आपका है, सो आप यहाँ पर इसको माइनस करोगे, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट है फिर आपके अमाउंट में आप लिखोगे। एंड मेक श्योर अभी जैसे मैं यहाँ पर एक एंट्री डाल रही हूँ फिर दूसरी डालूंगी इसके साथ ही रेस कर कर, बट आपने इसको कैसे करना है, यहां से आप लाइन ड्रॉ करोगे टिल हेयर, बस इसके आगे लाइंस ड्रॉ नहीं करते, बिकॉज डिटेल्स एंड अमाउंट के कॉलम में लाइंस नहीं आती, एंड इन केस अगर आप डाल देते हो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए, बिकॉज इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कैसे अपने क्वेश्चन को ठीक रखते हैं। So, ये कर लिया। अब अगर हमारी फेब्रुअरी 2 की ट्रांजेक्शन होगी वो हम यहाँ लिखेंगे इसके अंडर, और ये लाइन को यहाँ तक ही रखेंगे LF तक, उसके आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे। गाइस ये दो ट्रांजेक्शन करते हैं और अपने करते हैं ये क्वेश्चन को कंप्लीट, तो यस गाइस करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट विद दिस टू एंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट फेब्रुअरी 4th, सो फेब्रुअरी 4th हम इसको नीचे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। परचेज फ्रॉम दी पेपर एंड कंपनी दिल्ली, किससे परचेज किया है, दी पेपर एंड कंपनी दिल्ली, क्या परचेज किए वो देखो, 8 reams ऑफ वाइट पेपर एट द रेट 500 पर, सो 8 reams ऑफ वाइट पेपर, सब आप सेम लिख दोगे, ये सब सेम लिख दोगे एट द रेट 500 पर, तो 500 इंटू 8 कर दिया हमारा आ गया 4000। उसके बाद 10 reams ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट 6600 पर, सॉरी 600, सो आप ये सेम लिख दोगे 10 reams ऑफ वाइट रूल्ड पेपर, लिख दिया 600 का एक है, हमने कितना लिया 10, तो कितना बन गया 10000, सॉरी 6000, ठीक है। ये हो गया, इनको गया प्लस तो आ गया 10000। अब उसके बाद
लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। 10% 10,000 का कितना हो गया 1,000, सो इट कम्स आउट टू बी 9,000। विद दिस वी फिनिश दिस सॉरी यहाँ पर नहीं आ रही लाइन, मेक श्योर यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ कर दी आपका क्वेश्चन गया समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री फेब्रुअरी 5। सो फेब 5 80 रेनॉल्ड्स पेन एट द रेट ₹5 ईच परचेज फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रॉस। तो किससे परचेज किया, मेसर्स वर्मा ब्रदर्स से हमने किया परचेज। क्या किए, 80 रेनॉल्ड्स के पेन किए, सारा सेम लिख दोगे कितने का, एक 5 रुपए हमने कितने लिए 80। सो 80 × 5 करने के बाद आपका आ जाएगा 400। यहाँ पर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है सो हम यहाँ पर भी 400 लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इतन हेयर ओली हम यहाँ पर लिखेंगे February 27th या 29th जो भी लास्ट डे है चल रहा होगा। उसके बाद आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट, क्या लिखोगे परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट के नीचे वो अमाउंट लिखोगे जो इसको प्लस कर कर आई 9,000 + 400 और जो पहले वाले का था मतलब कि 6,300। तो सब कुछ प्लस करके जो आपकी यहाँ पर अमाउंट आएगी वो यहाँ पर आप लिखोगे, ये इसके साथ आपको आ जाएगा परचेज बुक कंप्लीट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद आवर टुडेस वीडियो एंड होपफुली आपको वीडियो में कुछ समझ आया होगा, और आया है तो वीडियो को करना लाइक, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट करना अपने डाउट्स एंड क्वेरीज। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन आज का, वो है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। मैंने आपको आज ही वीडियो में बताया तो सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ऑन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।